और अब बात करते हैं बिहार की खबरों की। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। जेडीयू के 5 विधायकों के नाराज होने की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं आरजेडी के 12 विधायकों के नॉट रीचेबल फोन आ रहे हैं, ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं। जबकि कांग्रेस के सभी विधायक प्रदेश से बाहर हैं, कांग्रेस के सभी विधायक हैदराबाद में मौजूद हैं। आपको बता दें बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा, जिससे पहले आज आरजेडी और जेडीयू की तरफ से अहम बैठक भी होगी। इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि जेडीयू में कुछ नाराजगी जो है यहाँ पर देखी जा रही है जेडीयू के विधायकों की तरफ से, और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि आरजेडी के भी जो 12 विधायक हैं उनके फोन नॉट रीचेबल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 12 फरवरी को जेडीयू बीजेपी की जो सरकार बनी है उन्हें अपना फ्लोर टेस्ट देना है। तो देखिए ये बिहार में अभी भी खेला जो है वो बाकी है। देखिए जेडीयू के 5 विधायक जो है वो नाराज चल रहे हैं। इस बीच खबरें ये भी आ रही है आरजेडी की तरफ से भी 12 विधायक जो है उनके फोन नॉट रीचेबल हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो उनके जितने भी विधायक हैं वो हैदराबाद हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि किस तरीके से झारखंड में भी फ्लोर टेस्ट हुआ है। इस बीच अभी और क्या सियासी घटनाक्रम होने वाला है, क्योंकि देखिए अभी बिहार में खेला बाकी है, क्योंकि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और सभी को अपनी बहुमत साबित करना है। आज जेडीयू विधायकों के भोज में कई विधायक नाराजगी की वजह से गायब रह सकते हैं। पार्टी की ओर से फोन जाने पर कई विधायकों ने नाराजगी जाहिर की है। आज जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार के यहाँ विधायकों का भोज है, कल विधायक दल की बैठक है। कई विधायकों ने जेडीयू आलाकमान को यहाँ तक कह दिया है कि आप अधिकारियों से सदन में वोट करवा लीजिए, हमारी आपको जरूरत क्या है। सोमवार का दिन है जब नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है, ऐसे में बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार के यहाँ भोज में कई विधायक नहीं पहुंचेंगे, नाराज चल रहे हैं। तो जेडीयू में भी कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं, लेकिन आज शाम आपको बता दें रावड़ी आवास पर आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को खुद तेजस्वी ने बुलाया है, लेकिन आरजेडी के 12 विधायकों के जो फोन है वो नॉट रीचेबल आ रहे हैं, और यही बात बड़ी आशंका पैदा करती हुई नजर आ रही है कि जो तेजस्वी यादव यहाँ पर बड़ा खेला करने का दावा कर रहे हैं, कहीं उन्हीं के साथ खेला ना हो जाए। क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को पटना में मौजूद रहने के लिए कहा है। अब 12 जो विधायक हैं उनसे संपर्क हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उनके फोन नॉट रीचेबल आ रहे हैं। संपर्क में रहने के निर्देश भी दिए गए थे उनकी तरफ से, बावजूद उनके 12 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और बिहार में बड़ा खेला करने के लिए तेजस्वी यादव एक्टिव तो हो गए, लेकिन खुद उन्हीं के 12 विधायक उनके संपर्क से बाहर हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के विधायक फिलहाल हैदराबाद में है, जानकारी यही मिल पा रही कि जल्द वो भी पटना लौट आएंगे। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी और जेडीयू के अपने अपने दावे हैं। जेडीयू विश्वास मत हासिल करने का दावा कर रही है, तो आरजेडी अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की बात कर रही है। 12 तारीख को एक यूजुअल डे की तरह ले रहे हैं, कोई अनयूजुअल डे नहीं है। सदन में जाएंगे नेता हमारे, तमाम विधायक जाएंगे और प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। मतलब मुझे सूचना नहीं है, लेकिन बैठक तो होती ही है ना, मुझे सूचना नहीं है। संभव तो बैठक होगी, क्योंकि 12 से अगर है एक दो दिन पहले तो बैठक होती है। बिहार में जो लोग दावा ये कर रहे हैं कि खेला होगा, मेला लगेगा, मेला ऐसा लगेगा कि जो महागठबंधन के घटक दल हैं, हालात यह है कि कांग्रेस के विधायकों को मंदिर मंदिर ले जा करके तेलंगाना में कसम खिलाया जा रहा है कि महादेव का कसम खाओ कि तुम पार्टी के साथ रहोगे। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि लापता पाए जा रहे हैं, स्विच ऑफ है, तो स्वाभाविक है माननीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है और उसका असर 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट पर दिखाई पड़ेगा। तो देखिए बिहार में अभी भी खेला बाकी है, नीतीश सरकार को कहीं ना कहीं 12 फरवरी को अपने बहुमत साबित भी करना है, और इसी सियासी गहमा गहमी के बीच सभी पार्टियों ने अपने अपने दावे जो हैं वो पेश कर लिए हैं। तेजस्वी यादव ने खेला होने का बड़ा दावा किया था, 12 फरवरी को खेला होने का तेजस्वी का दावा यहाँ पर सामने आ रहा है, लेकिन उनके विधायक गायब नजर आ रहे हैं। तो वही कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेजा है। इस बीच जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना भी बुलाया है। 11 फरवरी को जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, 12 फरवरी को नीतीश को बहुमत साबित करना है।
बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव ने खेला बाकी होने का दावा किया था, तो वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी प्रवक्ता एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने का दावा कर रहे हैं। आप भी सुनिए। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। सत्ताधारी दल के जेडीयू और बीजेपी के अपने अंतरात्मा से 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में क्या करेंगे ये देखना होगा, लेकिन सब कुछ गड़बड़ है ये दिख रहा है। तो जो भी होगा 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में पता चल जाएगा, ये सरकार रहेगी या जाएगी ये अभी श्योर तो नहीं दिख रहा है। हमारे तेजस्वी यादव जी के शासनकाल के जो डिप्टी सीएम रहते हुए सरकार में रहते हुए 17 महीने का काम है, जो लंबी लकीर खींची काम का, वो एनडीए के 17 वर्षों के काम पर भारी है। तो बता दें बिहार में 12 फरवरी को नीतीश को बहुमत साबित करना है और उससे पहले जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को एकजुट करने की कवायद भी शुरू कर दी है। जेडीयू ने अचानक से अपने सभी विधायकों को पटना में बुला लिया है, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां बिहार में बढ़ गई हैं। जेडीयू के ज्यादातर विधायक पटना पहुंच गए हैं और आज दोपहर मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर सभी विधायकों को भोज पर आमंत्रित भी किया गया है। तो वहीं 11 फरवरी को शाम 5 बजे विजय चौधरी के आवास पर जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक भी होगी। इस बैठक के जरिए विधायकों को एकजुट रखने का प्रयास भी किया जाएगा। इस बीच आपको बता दें वाल्मीकि नगर से जेडीयू विधायक रिंकू सिंह ने विधायकों के टूटने के दावों को नकार दिया है। अब ये बात जो आप कह रहे हैं कि कई विधायक उनके संपर्क में, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई विधायक उनके संपर्क में है। हाँ, चूंकि हम लोग साथ बैठते थे तो बातचीत हो सकती है और बातचीत होने का ही नतीजा है कि आप देख रहे होंगे कि आज एक चैनल पे हमने देखा है जिसपे माननीय मंत्री श्री सरवन सर ने बोला है कि बहुत से विधायकों के पास कुछ कुछ ऑफर जा रहा है और वो हमें बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन विधायकों की जदयू के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एक कटु आस्था है। इस आस्था की वजह से उनके पास अगर कोई भी ऑफर जा रहा है या किसी तरह का कोई बात हो रहा है, वो तुरंत अपने सचेतक से अथवा जो भी उनके कंसर्न गार्जियन है उनसे वो बातों को बता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से इसमें कोई खेला होना है या कहीं से कोई टूट की संभावना है। सदन में राम मंदिर पर चर्चा में टीएमसी नहीं होगी शामिल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा चल रही है लेकिन टीएमसी शामिल नहीं होगी। टीएमसी ने राम मंदिर पर चर्चा से दूर रहने का फैसला किया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा में चर्चा में शामिल नहीं होगी, राम मंदिर पर इस वक्त चर्चा चल रही है लेकिन एक बार फिर से टीएमसी ने किनारा कर लिया है। टीएमसी ने चर्चा से दूरी बना ली है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं।